वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लग्जरी स्टाइल कॉर्नर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं जो आपके साथ फेस मास्क या कह सकते हैं एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, उससे आपके फेस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होंगी। लाइक आपके फेस का पिगमेंटेशन हटेगा, आपके फेस की डलनेस ड्राइनेस जो है वो दूर होगी, आपका फेस जो है वो, आप अपने इस फेस मास्क को यूज़ करके अपना फेस का कॉम्प्लेक्शन जो है वो 1-2 शेड जो है वो लाइट कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम वाइट कर सकते हैं, बट येस, आप अपना जो शेड अभी है उसको देख करके आफ्टर इस यूज़ मास्क को यूज़ करने के बाद अपने कॉम्प्लेक्शन में नज़र कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि आपका शेड जो है वो एक्चुअल से 1-2 शेड्स जो है वो लाइट हुआ है। इस फेस मास्क की खासियत ये है कि ये सारे टोटल नेचुरल इंग्रेडिएंट से हम तैयार करेंगे। एंड सेकेंडली, इस फेस मास्क की एक खासियत ये भी है कि आप इसे कंटिन्यूएशन में 3 डेज भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं मास्क वगैरह जो बनाते हैं उसको हम वीक में 1 या 2 टाइम्स यूज़ करते हैं, लेकिन आप इस फेस मास्क को या तो 3 डेज कंटिन्यूसली भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑल्टरनेट डेज में भी यूज़ कर सकते हैं। वीक में आप मंडे वेडनेसडे फ्राइडे यूज़ कर सकते हैं या ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे यूज़ कर सकते हैं ऑल्टरनेट डेज में। एंड सीरियसली गाइज, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको अपने फेस में बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाई देगा। मेनली दिस इज़ फॉर अपने आपके जो शेड है उसको लाइट करने के लिए है ये फेस मास्क, और उसके साथ साथ इसके अदर इन्ग्रीडियंट्स जो हैं वो आपके फेस के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। सो चलिए देखते हैं ये सिंपल सा जो मास्क है वो आपको कैसे प्रिपेयर करना है और आप इसे कैसे यूज़ करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो सबसे पहले मैंने अपने इस बोल में ले लिया है बेसन, यानी कि ग्राम फ्लावर, और यू कैन से चिकपी फ्लावर। ये मैंने बेसन ले लिया है, ये लगभग 1.5 टीस्पून बेसन है। यहाँ पर ये मैंने बेसन लिया है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी हनी। सो मैंने यहाँ पर 1 फुल टीस्पून हनी ले लिया है, ये हमने ऐड कर दिया है हनी। एंड जो थर्ड इंग्रेडिएंट वो इसमें जाएगा वो है लेमन जूस। सो ये लेमन है, मैंने स्क्वीज़ करा हुआ है ये, बट इसमें है इतना कि जितना हमें इस मास्क में ज़रूरत है, तो इसके कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो हम लेमन के ऐड करेंगे। 8-10 ड्रॉप्स हम इसमें ऐड करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है बिकॉज़ हम इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूएशन में या फिर ऑल्टरनेट डेज में, इसलिए हमें लेमन का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। 8-10 ड्रॉप्स जो है वो बहुत हैं इस मास्क के लिए। सो अब मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट जो है वो मिक्स हो गए हैं। अब हमें इसे अप्लाई करने के लिए इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स करना पड़ेगा ताकि ये हमारे फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। सो अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। सो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वाटर। एंड इसमें लगभग 1.5 टीस्पून मैंने वाटर ऐड किया है। सो अब हम इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब ये जो मिक्सचर है ये बिल्कुल रेडी है आपके फेस पर अप्लाई होने के लिए। तो चलिए अब हम इसको अप्लाई करते हैं, और आफ्टर मिक्सिंग ये इस तरीके का आपको दिखाई देगा। मिक्स होने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इतनी रहेगी। तो मैं इसे अपने हैंड से ही अप्लाई कर रही हूँ। ये मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी।
सो एज़ यू कैन सी गाइज, मैंने इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है और थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ, जब तक मैं ये गीला है मतलब तब तक मैं बात कर सकती हूँ थोड़ा बहुत, तो जल्दी जल्दी मैं बता देती हूँ। मैंने इसमें बेसन यूज़ करा है, यानी कि चिकपी फ्लावर यूज़ करा है। तो बेसिकली बेसन में होता है जिंक, जो कि हमारी फेस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से हमें छुटकारा देता है। पिगमेंटेशन हो गया या कह सकते हैं डिसकलरेशन हो गया, तो ये उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है उसे क्योर करने में। सेकेंड, इसमें मैंने यूज़ किया था हनी। हनी में एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये पिम्पल्स वगैरह को क्योर करता है, आगे आने से भी रोकता है, और जो हो रखे हैं उनको भी ये ड्राई करने में हेल्प करता है, एंड विद दैट उनको फैलने से भी ये रोकता है। एंड सबसे मेनली हनी हमारे फेस को मॉइस्चराइज भी करता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी होती है, क्यों इसलिए हमने जो एक फुल टीस्पून इसमें डाला है, तो ये बहुत अच्छे से हमारे फेस को मॉइस्चराइज भी करेगा। एंड थर्ड लास्ट इंग्रेडिएंट हमारा है लेमन जूस। लेमन जूस में भर भर के होता है वाइटामिन सी, जिससे कि हमारे फेस का पिगमेंटेशन लाइट होता है। हमारा फेस जो मैं आपको बोल रही हूँ कि 1 to 2 शेड लाइट होगा, वो हनी से ही होगा, और ये डिसकलरेशन को क्योर करने में, डिसकलरेशन को आपके फेस पर हटाने में बहुत हेल्पफुल रहता है। डिसकलरेशन बोले तो कहीं से जैसे हमारा फेस वाइट है, कहीं से ब्लैक है, कुछ एरिया हमारे फेस का ब्लैक हो रखा है, यहाँ हो गया, या फेस अराउंड योर माउथ स्किन जो होती है वो अगर आपकी ब्लैक हो रखी है, तो उस डिसकलरेशन को हटाने में भी लेमन जो है वो हेल्पफुल रहता है। तो चलिए अब हम इस फेस मास्क को ड्राई होने देते हैं और मैं आपसे मिलती हूँ इस फेस मास्क को वॉश करने के बाद। सो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे। सो फ्रेंड्स, एज़ यू कैन सी, मैंने अपना फेस जो है वो प्लेन वाटर से वॉश कर लिया है, एंड आफ्टर दैट मेरा फेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे सॉफ्ट फील हो रहा है, काफ़ी स्मूथ मुझे फील हो रहा है अपना फेस। सो एंड आप भी देख सकते हैं कि पहले मेरा फेस किस तरीके का लग रहा था और आफ्टर दिस फेस पैक मेरा फेस किस तरीके का लग रहा है। बहुत ही अच्छा फेस पैक है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है अगर आप अपने शेड को लाइट करना चाहते हैं या आप इवन अपने फेस को ब्राइट करना चाहते हैं, तो इस फेस पैक को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। एंड यूज़ करने के बाद आफ्टर इफ़ेक्ट्स मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने शेयर कीजिएगा कि आपको ये फेस पैक कैसा लगा। एंड वीडियो अगर अच्छी लग जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।